हेलो फ्रेंड्स, आज ऐसा नमक बनाएंगे कि आपको मज़ा आ जाएगा और इस नमक को आप किसी भी टाइम किसी भी चीज़ पर आराम से यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नमक बना लेंगे तो बाज़ार से जो चाट मसाला लाते हैं या किसी टाइप का बना हुआ नमक लाते हैं तो कभी नहीं लाएंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। तो इसके लिए ले लिए हैं धनिया पत्ती। तो धनिया पत्ती को अच्छे तरीके से हम साफ़ कर लिए हैं और धुल लिए हैं। जो इसके मोटे वाले डंठल होते हैं उनको हम नहीं फेंकेंगे, उसके साथ ही लेंगे, क्योंकि सारा टेस्ट तो इसी में है और इस नमक में ये अच्छे से, बहुत ही अच्छे से ये बन जाते हैं। तो इसके साथ ले लिए हैं लहसुन पत्ती, और अगर आपके पास लहसुन पत्ती नहीं है तो आप इसके जगह लहसुन ले सकते हैं। तो चार लहसुन ले लिए हैं और इसमें ले लिए हैं मिर्चा। तो ये नमक हल्का सा तीखा रहेगा तो मिर्चा आप अपने हिसाब से डालें। ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो मिर्चा को बढ़ा सकते हैं। इस नमक को हम सैलेड, फ्रूट सैलेड पे भी यूज करते हैं तो इस हिसाब से तीखा करें। और इन सबको हम मिक्सर जार में डालकर बिना पानी के दरदरा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा चटनी की तरह नहीं करना है, इसी तरीके से दरदरा रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि इनको सुखाना है। ये लीजिए, सूख कर बहुत ही कम हो गए हैं और एकदम थाली में चिपक भी गए हैं। तो इनको अच्छे तरीके से खरोच कर हम निकाल लेंगे। तो चलिए इस नमक को बनाते हैं। तो इस नमक को बनाने के लिए हम सारे मटेरियल को एक कटोरी में ले लिए हैं, और उसमें डालने के लिए लेंगे नमक। सादा नमक लेंगे, और जितना नमक लेंगे उसके आधे में लेंगे काला नमक। अगर आप सादा नमक के जगह सेंधा नमक यूज करना चाहते हैं तो आराम से यूज कर सकते हैं, जो कि सेहत के लिए तो अच्छा ही है। तो इन सबको डालकर एक मिक्सर जार में अच्छे से पीस कर पाउडर बना लेंगे। ये आराम से पाउडर बन जाते हैं, क्योंकि धनिया पत्ती, लहसुन पत्ती और मिर्चा हमारे बहुत ही अच्छे तरीके से ड्राई हो जाते हैं, कुरकुरे हो जाते हैं। तो ये आराम से पीस कर नमक में मिक्स हो जाते हैं। तो इस तरीके से यह पाउडर रूप में नमक हमारा टेस्टी बनकर रेडी हो गया है। आप इसको किसी भी जार में आराम से रख कर साल भर तक यूज कर सकते हैं। चलिए इनको हम छान लेते हैं कि अगर इसमें कोई भी मोटा पार्टिकल हो, जैसे पत्ती का हो, तो आराम से निकल जाए। आप चाहें तो बिना छाने भी रख सकते हैं, ये पत्तियाँ ख़राब नहीं लगेंगी किसी भी चीज़ के साथ अगर आएंगी तो। तो ये लीजिए, इनको हम अच्छे तरीके से छान लेते हैं। जितना मोटा भाग रहता है तो वो आराम से निकल जाता है, और पतला भाग हमारा नमक में मिक्स हो जाएगा। तो मोटे भाग को हम फेंकेंगे नहीं, इनको हम सब्जी में या चटनी बनाते समय डाल लेंगे। तो ये इस तरीके से नमक को हम किसी भी जार में बंद करके रख देंगे और आराम से यूज करेंगे। आप इसको फ्रूट सैलेड, वेजिटेबल सैलेड या सब्जी पर, टिक्की पर, पराठा पर, या सब्जी में जब नमक कम हो जाता है तो हम ऊपर से नमक डालते हैं। इस नमक को आप डालिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है, और आप एक बार बना लेंगे तो बार बार हर साल बनाना पसंद करेंगे। आप पुदीना के पत्ती के साथ भी इसी तरीके से बना सकते हैं, चाहे धनिया पत्ती में कुछ पुदीना के पत्ती मिला लें और उसके साथ बनाएं तो बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इस तरीके से नमक आप बनाते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं बनाते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही मस्त ये नमक बनता है और सभी रेसिपी में बहुत ही अच्छा लगता है।